the Kargil Vijay Diwas 25th celebrations, and where the Subedar Major and Honorary Captain Yogendra Singh Yadav was awarded the Paramveer Chakra for his actions during the Kargil War. He is the youngest recipient of the prestigious award, having received it at the age of just 19. He enlisted with the 18 Grenadiers and was also the part of the Ghatak Force Commando Platoon, tasked to capture 3 strategic bunkers on Tiger Hill. My colleague has filed a ground report from his residence and also spoken to his junior communication officer Praveen and his relatives, including brothers, on what they have to say when they remember the Braveheart. India News ki team is waqt maujood hai Buland Shahar ke Aurangabad Ahir gaon mein, aur ye wahi gaon hai jahan par Yogendra Yadav ne जन्म लिया था। योगेंद्र यादव की अगर बात करें तो योगेंद्र यादव वो योद्धा है जिसने कारगिल युद्ध में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और भारत को जीत का परचम लहराया था। ये वही गांव है उनका, ये वही घर है जहां पर योगेंद्र यादव ने जन्म लिया था। आज हम यहीं से दिखाएंगे कि आखिरकार योगेंद्र यादव जी किस तरीके से यहाँ रहते थे, बचपन में क्या करते थे। चलते हैं उनके घर में, देखते हैं कि कैसा यहाँ का माहौल है। योगेंद्र यादव जी का ये घर है, मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये वही घर है जहाँ पर योगेंद्र यादव ने जन्म लिया था। मतलब बचपन योगेंद्र यादव जी का यहीं बीता था, यहीं से पढ़े लिखे योगेंद्र यादव। और मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए, ये वही घर है जहाँ पर योगेंद्र यादव जी ने जन्म लिया था। ये पुराना घर, ये देखिए, ये तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा। ये वही कृष्ण जी की तस्वीर है जिसकी योगेंद्र यादव जी पूजा करते थे। ये बताया जाता है कि जब छोटे थे तो यहीं पर वो पूजा करते थे, यहीं पड़े थे। अभी भी गांव का वही माहौल है। देखिए, चूल्हा रखा हुआ है रोटी बनाने के लिए। हालांकि योगेंद्र यादव फिलहाल इस गांव में नहीं रहते, गाजियाबाद रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि गांव से पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, उनका ये घर है, यहाँ उनके भाई रहते हैं, छोटे भाई रहते हैं। और आप देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाँव के लोग भी जो उनके साथ में खेले कूदे बड़े रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया न्यूज की टीम आज यहीं से जानेगी कि आखिर योगेंद्र यादव जी इस तरीके से बचपन में रहा करते थे, क्या उनकी मंशाएं थी, क्या हॉबीज थी योगेंद्र यादव की। फिलहाल इंडिया न्यूज की टीम योगेंद्र यादव के जो प्रत्येक गांव है औरंगाबाद अहीर वहां मौजूद है, और ये घर वही है योगेंद्र यादव जी का, इसको दिखा रही है इंडिया न्यूज की टीम जहाँ योगेंद्र यादव ने जन्म लिया था। बुलंदशहर के पुनीत शर्मा, इंडिया न्यूज। नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। प्रवीण जी, योगेंद्र जी के आप साथी हैं? हाँ, उनसे सीनियर थे। आप सीनियर थे? हाँ, उनसे जूनियर थे। तो कुछ बातें बताइए योगेंद्र जी के बारे में, आपके साथ में खेले हों, बचपन से कैसे थे? ना, खेल कूद में सही है पंडित जी, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है सब, काम करने में ठीक ठाक है। उसमें फौज में जाने का जज्बा तो हाई है, लेकिन फौज की नौकरी करूँगा, भाई भी फौज में हो गए, पिताजी भी फौज में है, कुछ करके दिखाने की भी बात है उसके मन में। उन्होंने वो दिखा दिया? हाँ, वो दिखा दिया कारगिल की लड़ाई में। गांव में कैसा माहौल था जब? गांव में सही था, न लड़ाई का न दंगे का कोई नहीं। अच्छा, जब कारगिल युद्ध हुआ था तो ये बताया जाता है कि शादी उनकी नई नई हुई थी? हाँ, शादी हुई नहीं थी, तो शादी हो गई थी उनकी, तो वो जब यहाँ से गए थे, क्या आप सभी लोगों से मिल के गए थे? होता है कि जब आदमी आर्मी में जाता है, पता है युद्ध हो रहा है, तो क्या वर्ड थे उस वक्त के? भाई यूँ वगैरह कि पता नहीं लौटे जने ना लौटे, लड़ाई में क्या समस्या सामने आवे वो तो ऊपर वाले जाने टाइम बताएगा जैसा भी है। लेकिन जब गांव की किस्मत अच्छी है कि वो लड़ाई करके भी उनको दुश्मनों को मार गिरा के भी अपने आगे 17-18 गोली खा के परमवीर चक्र मिला। परमवीर चक्र मिला। आपका? मेरा नाम रामबल सिंह यादव। ये बताइए योगेंद्र यादव जी कौन लगते हैं सर? ये छोटे भाई हैं हमारे। और आपके साथ ही बचपन गुजारा है योगेंद्र यादव जी ने? हाँ, मेरे से तो बहुत छोटे हैं, बच्चे के बराबर हैं, गांव में ही पले पड़े हैं। इनके जो पिताजी वो भी आर्मी में थे, तो पढ़ते टाइम से ही इनका शौक था कि भाई मुझे भी आर्मी में जाना है। बस यही वो समय आ गया, चले गए। जाने के बाद में ये 1.5 साल की सर्विस थी, उसी टाइम ये कारगिल युद्ध शुरू हो गया। 5 मई की शादी थी इनकी, 5 मई 1999, और
छुट्टी इनकी फिर कैंसिल हो गई, लेटर आ गया, तो 20 मई को ये अपनी यूनिट में चले गए। वहाँ जाने के बाद में लड़ाई चालू हुई पाकिस्तान से। फिर जो इनकी एक प्लाटून बनाई गई, उसमें 6 बंदे थे, ये लीडर थे, ये उस पर तोलोलिंग पहाड़ी पे वहाँ ऊपर जो पहुँच गए, वहाँ इनका जो घमासान हुआ, 6 जवान तो वहीं, 5 तो वहीं शहीद हो गए। ये बहुत तरह से जख्मी हो गए, 17 गोलियाँ इनको लगी। लेकिन एक देश के प्रति जज्बा था भाई, जो हमें वो ये घायल हो गए, एक बाजू बिल्कुल ख़त्म हो गई, सीने में जेब में कुछ सिक्के पड़े थे, उनसे गोली फिसल गई, सीना बच गया, बाकी सारा शरीर छलनी हो गया। फिर वहाँ से इनको ठोकर मारी गई, भाई कोई जीवित तो नहीं है। इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि एकदम मतलब बेहोश होकर पड़े रहे, जब वो वापस हटे तो इन्होंने ग्रेनेड फेंका, हिम्मत करके उन्हें ऐसा लगा कवरिंग फायर, कवरिंग वो आ गई है इनकी, जो बस उनमें भगदड़ मच गई। ये अपने हाथ को बेल्ट से खींच के शरीर के सहारे लौटते हुए पहाड़ी से फिसलते हुए अपने नीचे उसमें आ गए, जहाँ इनका यूनिट थी। वहाँ आके बस इतना ही बताया कि ऐसे हो गया और अटैक यहाँ होने वाला है। फिर इन्हें बेहोशी हो गई, इनको फिर हॉस्पिटल भेजा गया। वहाँ जाने के बाद में वो लोग अपने जो सचेत हो गए, फिर ये यहाँ आए आर्मी बेस हॉस्पिटल। तो यहाँ आने के बाद में जो हम लोगों को जानकारी हुई, हम लोग वहाँ पहुँचे, तो उस टाइम पे तो बस इनका क्या शरीर छलनी था, कुछ नहीं था, हार्ड हार्ट का कंकाल था। 16 महीने बेस हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद जो परमवीर चक्र मिला, बड़े सम्मान की बात है। लेकिन एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा बाबू जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि तब नई नई शादी हुई थी, लेटर आया, तो एक बड़ा दुख आपको लगता होगा, बड़ी दिल में दहशत होती होगी कि कहीं ना कहीं कुछ घटना ना हो जाए। उस समय तो बड़ा गमगीन माहौल था, परिवार के लिए का, गांव के लिए भी था। लेकिन जब पहले खबर आई, यहाँ हमारे यहाँ रडार है सिकंदराबाद के नज़दीक, वहाँ उन्होंने कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे, तो वहाँ से सुबह शाम इनसे बड़े भाई थे, वो भी आर्मी में है, वो जाते खबर लेते, तो जानकारी मिली गोली लग गई। गोली लगने के बाद क्या, गोली का तो रिजल्ट ऐसा है, गोली से तो कुछ नहीं बचता। लेकिन जब पता लगी अगले दिन, जो जख्मी हुए हैं वो लोग आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली बेस में पहुंचा रहे हैं, तो इनके नाम दिए गए, शगुन मिला कि भाई हाँ चलो जीवित तो है। सुबह को फिर हम परिवार वाले सब रिश्तेदार भी सभी वहाँ पहुँचे, तो देख के बड़ा जो भगवान को शुक्र अदा किया। बाकी फिर जो होले होले अपने जो स्वस्थ होते चले गए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक यादव है। दीपक जी, आप योगेंद्र भाई के कौन हैं? मैं उनका छोटा भाई हूँ। ये बताइए कि योगेंद्र जी की बचपन की कुछ कहानियाँ बताइए, क्या शुरू से ही आपके परिवार में या आपके घर में आर्मी से कोई लोग हैं, या उनका शौक़ था कि मुझे सिर्फ आर्मी में ही जाना है? जी, हमारे पिताजी जो वो आर्मी में थे, उन्होंने 65 और 71 की लड़ाई लड़ी थी, और उनसे कुछ किताबों से उन्होंने सीख के देशभक्ति किताब पढ़ के उन्हें प्रेरणा मिली फौज में जाने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं फौज में जाऊँगा, और ये सनोटा गाँव पड़ता है पास ही में, श्री कृष्ण इंटर कॉलेज है, वहाँ से उन्होंने 10वीं पास करी, उसके बाद वो आर्मी में भर्ती हो गए। प्राथमिक शिक्षा जो है 1 से 5 तक? शिक्षा वो गांव में ही की थी, इसी गांव विद्यालय, इसी गांव अपने गांव से ही, और उसके बाद जो है वहाँ से सनोटा से 10वीं की थी। कारगिल युद्ध जब चल रहा था, बताया जाता है कि आपके भाई की शादी हुई थी उसके, लेकिन फिर छुट्टी के बाद में वो चले गए, छुट्टी उनकी कैंसिल हो गई, उस वक्त कैसा घर में माहौल था, क्या था? जी, ये 99 की बात है, 5 मई को शादी हुई थी उनकी, और उसके बाद जो है लेटर आ गया था वहाँ से फौज से कि
कि भाई सबकी छुट्टियाँ जो जवान छुट्टी पर गए हैं सबकी छुट्टी कैंसिल है और तुरंत अपना उसमें यूनिट में हाजिरी देनी होगी। तो 20 मई को यहाँ से चले गए, लेकिन वो समय ऐसा था कि जो बहुत ही गमगीन था कि भाई 10 दिन 15 दिन वो शादी को हुए हैं और उधर लड़ाई का माहौल, सभी लोग खुश नहीं थे, लेकिन क्या करें कि भाई देश की रक्षा के लिए वचन दिया है तो जाना पड़ेगा, तो वो चले गए। फिर परमवीर चक्र मिला योगेंद्र जी को, जी कैसा आपके परिवार में महसूस हुआ? हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व हुआ कि जो देश का सबसे बड़ा वीरता सम्मान है ये हर किसी को नहीं मिलता, अक्सर ये मिलता है तो मरणोपरांत मिलता है, लेकिन इन्होंने जीवित होते हुए भी इस सम्मान को प्राप्त किया, ये हमारे लिए और पूरे देश के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। कितनी गोलियां खाई थी योगेंद्र? उन्होंने 17 गोलियां लगी थी और कुछ बुलेट के छर्रे लगे थे, तो बहुत जख्मी हुए थे और 7 आतंकवादियों को भी मारा था उन्होंने। जी क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश यादव। ये बताइए योगेंद्र यादव कौन आपके लगते हैं? छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं आपके? तो सर बचपन में आपके साथ में योगेंद्र जी शायद रहे होंगे, तो कैसे शुरू से ही पढ़ने लिखने में कैसे थे? पढ़ने लिखने क्या टेस्ट है, पढ़ने कूदने पढ़ने में हर चीज़ में टेस्ट है। तो क्या जब हमारे चाचा जी मतलब उनके पिताजी जो हैं हमारे पिताजी से छोटे हैं, तो जैसे चाचा जी छुट्टी उट्टी से आते थे या जैसे भी थे तो वो कहता था कि मैं भी चलूँगा। तो योगेंद्र यादव जी के पिताजी भी आर्मी में थे? हाँ, शुरू से ही आर्मी में जाना चाहते थे? हाँ, छोटे थे जब भी कहते थे मैं आर्मी में जाऊँगा। अच्छा, कारगिल युद्ध के दौरान 17 गोली योगेंद्र यादव जी को लगी, परमवीर चक्र मिला, और ये भी बताया जाता है कि कारगिल युद्ध में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? अब ये तो बहादुरी है, देखो जी वो डरते तो बचपन से ही नहीं थे, कभी भी किसी से कुछ भी हो गया, कहीं जैसे हो गया कभी नहीं डरते थे। जब जाते थे फौज में भी तो ये कहते थे कहीं भी लड़ाई होगी कुछ होगी तो सबसे आगे मैं जाऊँगा, मैं लड़ूँगा सबसे आगे। गांव में भी कभी लड़ाई हुई? नहीं, गांव में तो कभी किसी से लड़ते ही नहीं थे, वो कुछ नहीं लड़ते थे, अपने हंसते बोलते रहते थे, अपने कस प्यार से रहते थे। लेकिन जुनून शुरू से ही था कि मुझे आर्मी में जाना, शुरू से ही था उन्होंने, क्योंकि उनके बड़े भाई भी हो गए थे, फिर वो भी लग गए थे, तो उन्होंने कहा मेरे को भी जाना है, गए थे पहली भर्ती में हो गए थे सिलेक्ट। सर आपका नाम जानना चाहूँगा? अजय सिंह। अजय सिंह जी, योगेंद्र जी के बारे में कुछ बातें बताइए, आपके साथी थे या आपके भाई थे? नहीं, वो हमारे छोटे भाई हैं और साथी के मुझसे तो काफ़ी जूनियर हैं। क्या आप भी आर्मी में रहे? नहीं, मैं आर्मी में खेती का काम है। आप खेत मतलब आपसे पढ़ना लिखना आपके साथ रहा होगा, आप सीनियर रहे होंगे? नहीं, वो जूनियर? नहीं, बहुत जूनियर हैं उनसे। कैसे काफ़ी बड़े हैं उनसे। कैसे थे शुरू से ही योगेंद्र जी? शुरू से बस उनका भी यही था कि मैं जब से पिताजी उनके थे उस समय आर्मी में, उन्हें भी यही लगा था कैसे मैं भी आर्मी में जाऊँ, तो शुरू से ही उनकी जो ख्वाहिश थी यही थी कि आर्मी में जाने की। परमवीर चक्र जब मिला गांव में वापस लौट के आए, कैसा माहौल था कुछ बताइए? उस समय बिल्कुल पूरे गांव में क्या पूरे इलाके में ये खुशी की बात थी, लेकिन पहले तो ये था पता नहीं क्या होगा कैसा होगा, 16 महीने तक तो ऐसी रहा था, लेकिन उस समय जब परमवीर चक्र मिला तो ये तो बहुत खुशी की बात थी पूरे इलाके में, ना कि गाँव में। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.